दोस्तों, ये कहानी सुन के आपको अपने जीवन में कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक बार फिलॉसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीज़ों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने जवाब दिया हाँ, जार भर गया है। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स और लिया, उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर एक कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने पूछा छात्रों से कि क्या जार भर गया है। दोबारा छात्रों ने उत्तर दिया हाँ, जार भर गया है। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला, बालू का बॉक्स, और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी। और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि दो बच्चों, क्या जार भर गया है। फिर बच्चों ने कहा हाँ, जार भर गया है। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं, और आपकी फैमिली है, और आपका पार्टनर, और आपकी हेल्थ, आपके बच्चे हैं। ऐसी चीज़ें कि अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें खो भी जाएँ, सिर्फ ये रहें, तो आपकी ज़िंदगी पूर्ण रहेगी। एक कंकड़ कुछ अन्य चीज़ें जो मैटर करती हैं, जैसे कि जॉब, घर इत्यादि, और रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीज़ों को दर्शाती हैं। अतः दोस्तों, मेन जो हमारे जीवन को लाइफ फुलफिल करने वाले हैं वो क्या हैं, हमारे माता पिता। अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यदि आपकी लाइफ के साथ होता है, और अगर आप अपनी सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में लगा देंगे, तो आपके सामने उन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं रहेगा जो आपके जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। जो बच्चों आप बच्चों के साथ खेलिए, पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा। पर पहले पत्थरों को ध्यान दीजिए, ऐसी चीज़ों को सचमुच मैटर करती है।